पौड़ी गढ़वाल से। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण हेतु पौड़ी जनपद के विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत कालागढ़ में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से लोगों को विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया, उनकी प्राप्त समस्याओं का निस्तारण किया। आयोजित शिविर में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। बहुउद्देशीय शिविर में प्रदेश के माननीय वन और पर्यावरण, श्रम, सेवा, कौशल विकास, आयुष और आयुष शिक्षा, ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य और जनप्रतिनिधि आदि गणमान्य ने भी प्रतिभाग किया। आयोजित शिविर में कृषि, पर्यटन, खाद्य पूर्ति, वन विभाग, स्वास्थ्य, कौशल विकास, समाज कल्याण, बाल विकास सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया। बहुउद्देशीय शिविर में माननीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो सके, इस हेतु ये शिविर आयोजित किया गया है। कहा, जनपद में इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने को कहा, जिससे घर में ही रहकर स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिकी मजबूत बना सकें। आज कालागढ़ के अंदर जो कोटद्वार विधानसभा का हिस्सा है, हमने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है और आज कालागढ़ की तमाम समस्याओं को लेकर हमने बहुत सारे निर्णय लिए, जिसमें कि कालागढ़ में जो सड़कें बहुत लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, तो सभी मुख्य मार्गों को जो सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं वो 15 नवंबर तक सिंचाई विभाग उन सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएगा, उन सड़कों को ठीक से बनाएगा। जो वन विभाग के पास है उन सड़कों को वन विभाग 11 नवंबर तक उनको ठीक करेगा। एक हमने इसी सेंटर में प्रशिक्षण के केंद्र में कौशल विकास का एक केंद्र, जो नेचर गाइड कंप्यूटर सेंटर के रूप में यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देगा, इसकी शुरुआत करने का हमने निर्णय लिया है। हमने कालागढ़ से 10 सफारी जिप्सियों को जो झेरना गेट और झेरना क्षेत्र में टूरिस्ट को लेकर जाएंगी, उसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। इसी तरह हमने यहाँ पूरे कालागढ़ क्षेत्र में 2 ट्यूबवेल, जिसे एक जल विद्युत निगम लगाएगा और एक वन विभाग लगाएगा, 2 ट्यूबवेल बोरिंग करने का निर्णय, जिससे यहाँ पेयजल की समस्या का समाधान हो सके, हमने निर्णय लिया है। इसी तरह कालागढ़ में स्ट्रीट लाइट जल विद्युत निगम और यूपीसीएल मिलकर ऊर्जा विभाग यहाँ के सभी मुख्य मार्गों पर और यहाँ के अंदर की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था करेगा। इस तरह के हमने बहुत सारे निर्णय इस क्षेत्र के विकास को लेकर लिए हैं। यहाँ समाज कल्याण विभाग की कोई योजना अब तक संचालित नहीं हो रही थी, आज मैंने निदेशक को, मुख्य विकास अधिकारी को ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ के लोगों को भी जीने का अधिकार है। वृद्ध, विधवा, विकलांग, तमाम जो समाज कल्याण की सुविधाएँ दी जाती हैं यहाँ के लोगों को भी दी जाए। इस तरह खाद्यान्न के क्षेत्र में सबको प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है उसका लाभ सबको दिया जाए, यहाँ के कोई व्यक्ति जो गरीब है वंचित न रहे, इस तरह जिला आपूर्ति विभाग को हमने निर्देश दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो हमने समीक्षा बैठक की है, श्रम विभाग यहाँ अपना कैंप लगाएगा, यहाँ के लोगों का जो निर्माण श्रमिक हैं, चाहे सिंचाई विभाग में, लोक निर्माण विभाग में, बिजली विभाग में जो निर्माण श्रमिक हैं मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनको श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे कि उनको श्रमिक के विभाग की सुविधाएं, श्रम विभाग की सुविधाएं मिल सकें। इस तरह का आज हमने बहुत सारे निर्णय आज लिए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी
फैसला जनतंत्र का।